हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू सुष्मिता? आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं मेरी बहन को घर लाने के लिए। तो शादी के 8 दिन बाद फिर से लाना होता है घर में, कुछ रस्म होता है जो पूरा करना होता है। तो हम 3 लोग निकल गए हैं, मेरा हस्बैंड, मैं और नोनी। बहुत देर हो गया निकलते निकलते, हमें सुबह निकलना था लेकिन बच्चे के साथ तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि टाइम टू टाइम सब कुछ करना। और जाने में हमें करीब 45 मिनट एक घंटा लग ही जाएगा, थोड़ा दूर है। और रास्ते के बीच में रेल लाइन भी है, तो गेट अगर पड़ जाता है ट्रेन क्रॉस करते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, पहुंचने के बाद आप लोगों के साथ शेयर। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन और बहनों को लेने के लिए। हमारे घर में 8वें दिन में भी बहुत सारे लोग इनवाइट है, उस दिन भी खाना पीना होगा। 8वें दिन में रिचुअल्स तो होगा लेकिन 8वें दिन में है शिवरात्रि, तो उस दिन तो नॉनवेज नहीं खा पाएंगे लोग। तो हमने ये फंक्शन रखा है 8वें दिन से पहले, मतलब सैटरडे पर शादी हुआ था तो नेक्स्ट सैटरडे को होता है 8वां दिन, लेकिन हमारा जो फंक्शन होगा घर में खाना पीना सब कुछ वो फ्राइडे में ही हो जाएगा। उसमें भी 120 लोगों का इनविटेशन है। तो दोस्तों, मेरा वेडिंग सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप नज़र रखिए मेरे ब्लॉग्स के ऊपर। नोनी को तो नहला दिया है लेकिन मैं नहा नहीं पाई, बच्चे हैं छोटा तो उसको खिलाना पिलाना ये सब करते करते इतना लेट हो गया। और सारे लोग मेरे ऊपर दोष ठोकते हैं पता नहीं क्यों, तो मैं भी तो मजबूर ही हूँ ना, लेकिन मतलब घर वाले सोचते कि मैंने लेट कर दिया शादी पे सवर पे। मैंने कुछ सजा सवरा कुछ नहीं है, बस साड़ी पहना है, क्या करें, साड़ी तो पहनना ही पड़ेगा, शादीशुदा हूँ। और ऐसे तो नए घर में सब लोग वहाँ पर भी है, मतलब मेरे बहन के ससुराल में, तो वहाँ पे मैं सूट पहन के जाऊँ तो लोग अच्छे से अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, तो साड़ी मेन होता है हमारे लिए, साड़ी पहनो तो सब रेस्पेक्ट देता है वही। तो हमारे घर में तो ऐसा ही कल्चर है, शादी के बाद बड़े लोगों के सामने साड़ी पहन के रहना चाहिए। जब अकेले दिल्ली में रहती हूँ तब मैं साड़ी तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन घर जब जाती हूँ तब मुझे साड़ी पहनना पड़ती है। सूट भी पहनती हूँ लेकिन ज्यादातर कभी ससुराल या फिर इन लॉज के कोई घर जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि रास्ते में एक रेल गेट पड़ता है, आज हम लोग निकल गए तभी गेट पड़ गया, नहीं तो बहुत देर हो जाता। और डर इसलिए लग रही थी कि वहाँ पे इतना भीड़ लगता है ना, आपको क्या बताऊँ। और आजकल तो बैटरी रिक्शा का इतना भीड़ हो गया है, रास्ते में चलना, गाड़ी निकल के जाना ही मुश्किल हो गया है। मेरी नोनी जब अच्छी हवा चलती है ना रास्ते में तो सो जाती है, और गाड़ी में स्विंग जैसी फील होती है नोनी को तो सो गई है। यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं, रास्ते के दोनों तरफ कितना अच्छा लग रहा है ना। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता जाता है बोलपुर में, तो हम बोलपुर तो नहीं जाएंगे, उससे पहले ही पड़ जाता है मेरी बहन की ससुराल। तो वहाँ जाके, मतलब मेरी बहन की ससुराल में जाके ससुराल वाले सभी मेंबर को हमें इनवाइट भी करनी है हमारे घर में, जो 8वें दिन में फंक्शन होने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं मेरी बहन की ससुराल, मतलब बहन की घर ही है ससुराल ही। तो अभी हम ले जाएंगे सभी को। ये देखिए हमारा नया दामाद मेरी बेटी को गोदी में ले ली, किसी के गोदी में चढ़ती नहीं है, लेकिन क्या बता रहे, मौसी मौसी के हस्बैंड की क्या बोलते, मौसा मौसा की गोदी में जल्दी से चढ़ रही है। पहचान ली खुद का, अपना ही है। और मासी अभी क्या कर रही है? শুক্রবার আপনার এখান থেকে গাড়ি ছাড়বে, সবাইকে বলছি, আপনাকে বললাম তো সবাইকে নিয়ে চলুন, বুঝলেন, শুক্রবার ওইখানেই হবে সবকিছু, সকাল থেকে জল খাবার থেকে দুপুরে দিদা দেখুন সবাই যেতে হবে শুক্রবার, বুঝলেন, সবাই মিলে যাবে শুক্রবার, কিন্তু প্রোগ্রাম ওইখানে বাবা আমাদেরকে বলে পাঠিয়েছে। তো
ये मेरी बहन नई नवेली दुल्हन और ये दुल्हा लेके हम घर जा रहे हैं। ना देखिए हेलो कर दो। हेलो। तो हम अभी लौट रहे हैं, लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगा, अभी से ही दोपहर का 1 बज गया है, क्या करें, सब कुछ मिलके इतना लेट हो गया है। और नोनी तो चुपचाप बैठी है, थोड़ा सा पूरी और थोड़ा सा मिठाई खाई है बस। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सीउरी टू बोलपुर का जो रोड है उस रास्ते से अभी लौट रहे हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी, मेरा भी जो शादी के बाद 8वां दिन में जो रिचुअल्स करने के लिए मायका आना पड़ता है, उसमें मेरे पापा गए थे मुझे लाने। तो तब हमारे घर में और कोई था नहीं लाने के लिए, तो इस बार हम हैं, इसीलिए मेरे पापा ने बोला कि तुम लोग जाओ और लेके आओ। तो हम लेके अभी लौट रहे हैं घर। और हमारे बंगाली कल्चर में एक नियम है, वो है कि जिस घर में बेटी की शादी हो रही है, जब तक ना 1 साल पूरा हो जाए तब तक माँ बाप को बेटी के घर में कोई चावल टाइप की कुछ चीज़ें खानी नहीं होती है। तो इस वजह से मेरे पापा नहीं आए। दुल्हन लेके हम घर आ गए। अभी यहाँ पे हमारा जो रिचुअल्स है वो होगा, और ये हमारा दुल्हा का नाम है रिचुअल्स। अभी तो कोई रिचुअल्स नहीं होगा, सैटरडे में होगा। हाँ, उसके लिए ही लेके आना पड़ता है, उसके लिए वो वही मेन चीज़ है। तो आगे आगे क्या होता रहेगा आप लोग का अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग मेरे इस वेडिंग सीरीज में जरूर बने रहिए एंड तक। तो हम लोग घर पहुँच गए, पहुँचते पहुँचते 2 बज गया है, 2:15 बज गया है। और अभी ब्राइड न्यू दुल्हा दुल्हन अभी घर के अंदर है, मैं भी चेंज वेंज करूँगी और लंच करूँगी। और नोनी तो दादू के साथ खेलने में लग गई है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हम आ गए। और अभी शादी का जो है मंडप, ये 8 दिन तक रखना पड़ता है, तो ये अभी ऐसा ही रहेगा। सैटरडे को शादी हुआ था, तो ये आने वाला पहला सैटरडे में ये सब क्लीन होगा। यहाँ पे भी कुछ रिचुअल्स होगा, उसके बाद ही ये खोल के घर के अंदर रख दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना खाना बन रहा था, कितना हलवाई थे यहाँ पे, अभी सब कुछ खोल दिए हैं। और ये फ्रिज जो हमने लिए थे ये फ्रिज हमें बहुत ही मतलब हेल्प किया है। अभी देख ही सकते हैं इसके अंदर अभी 9 बोतल स्प्राइट कोको कोला है, 2 दही है, 2-3 किलो पनीर है, चिकन पकोड़ा भी थोड़ा सा बच गया है। आप लोगों के घर में भी ज़्यादातर लोगों का अगर फंक्शन में ज़्यादातर लोग इनवाइट है तो ज़रूर एक बड़ा सा फ्रिज रेंट में लेकर रखिए, ये आपको खाना ख़राब नहीं होने देंगे, कुछ भी रख दो। यहाँ पे हमने 3 दिन पहले फ्रिज ऑफ कर दिए थे, तो 3 दिन से मछली जो है मछली रखा था अंदर, तो कुछ मछली ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम जम गया था बर्फ़ की तरह। कल निकल यहाँ से हमने निकाले, फिर भी मछली इतना फ्रेश था, लग ही नहीं रहा है कि 5-6 दिन से मछली पुराना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।